एक तरफ जहां टाटा ग्रुप की लगभग सारी कंपनियां शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं इसी ग्रुप की देश की दिग्गज एयरलाइन एयर इंडिया मुश्किलों से जूझ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एयर इंडिया को सपोर्ट देती है, उसके टेक्नीशियंस, मेंटेनेंस स्टाफ और बाकी सपोर्ट स्टाफ जो है वो 23 अप्रैल से हड़ताल पर जाने का फैसला कर चुका है। टेक्नीशियंस सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, यूनिफॉर्म और बाकी मांगों को लेकर धरने पर बैठ रहे हैं। ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग यूनियन ने सीईओ को लिखे हुए लेटर में अपनी सारी मांगे रखी। यूनियन के लेटर के मुताबिक कर्मचारियों को पिछले 7 सालों से प्रमोशन नहीं मिला है। इसके अलावा टेम्परेरी एम्प्लॉइज को परमानेंट एम्प्लॉइज की तरह एक समान ट्रीटमेंट देने की भी बात कही गई है। बता दें कि कंपनी का लगभग 75% वर्कफोर्स टेम्परेरी एम्प्लॉइज का है। इसके पहले एयर इंडिया के पायलट कम सैलरी और ज्यादा काम के मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और अब टेक्नीशियंस के भी धरने पर बैठने से कंपनी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। इससे देश के पूरे एविएशन सेक्टर को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एयर इंडिया पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है। ऐसे में पहले पायलट और अब टेक्नीशियंस की नाराजगी कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में एयर इंडिया इस मुद्दे को लेकर क्या समाधान निकालती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।